Now, let's try to understand what is lossless decomposition. Okay, so decomposition मतलब क्या होता है? Let's say मेरे पास में एक relation है A, B, C और मैं इसको दो different relations में divide कर देता हूँ. Let's say एक है A, B और दूसरा relation है B, C. तो ये हमने एक relation को दो अलग relation में divide कर दिया. इसको बोलते हैं decomposition. ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें रिडंडेंसी को कम करना है. अब डिवाइड करते वक्त हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होनी चाहिए. लॉस मतलब ना तो नई इंफॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए ना ही डिलीट होनी चाहिए पुरानी कोई हमारी इंफॉर्मेशन. उसको हम बोलेंगे लॉसलेस डीकंपोजिशन. मतलब यह है, सपोज करिए हमारे पास में एक टेबल थी जिसके अंदर डेटा था ए बी सी, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी वन सी वन, ए वन ए टू सी टू. अभी मैं यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की, फॉरेन की या इस तरह की कोई चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ. तो आप ये नहीं बोलें कि यहाँ पे ये यूनिक क्यों नहीं है, यहाँ पे डुप्लीकेट्स कैसे आ गए. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी और फॉरेन की हियर. ओके, नाउ लेट्स सी. अगर मैंने एक रिलेशन डिवाइड किया इसका आर वन, जिसके अंदर मेरे पास में दो एट्रीब्यूट्स हैं ए बी, ये वाला आर वन रिलेशन ए बी एट्रीब्यूट है. तो देखो यहां से ए वन बी वन, ए वन बी टू और ए टू बी वन, ये वाली वैल्यूज यहां पे आ जाएंगी. तो ए वन बी वन, ए टू बी वन और ए वन बी टू. एक और चीज मैं आपको बता दूं, द ऑर्डर ऑफ दीज टपल्स डज नॉट मैटर. ये वाली चीज यहां पे रखो या ये यहां पे रखो, डजंट मैटर. ऑर्डर ऑफ टपल्स doesn't matter. Okay, now let's try to find the another relation R2 having AC instead of BC. What I am doing is, let's say इसको AC लिख देते हैं. तो ये हम AC एक नया table बना रहे हैं, A and C. तो AC में क्या आएगा? देखो A1 C1, A2 C1, A1 C2. तो ये values रख देते हैं, A1 C1, A2 C1, A1 C2. ठीक है. नाउ इन दोनों के बीच में देखो A और A, ये दो जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं ये कॉमन है. तो अगर हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो A के बेसिस पे ही करेंगे. तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमने किया R1 ज्वाइन R2. ये क्या है? नेचुरल ज्वाइन. नेचुरल ज्वाइन के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. नेचुरल ज्वाइन के बारे में अभी आप ये मान लीजिए कि दो टेबल्स के बीच में जो हमारा कॉमन एट्रीब्यूट होगा उसके बेसिस पे ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे. कैसे? देखो हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर अब तीनों एट्रीब्यूट होंगे. क्या है तीन एट्रीब्यूट? ए बी सी. तो देखो ए वन बी वन, और ये किसके साथ मैच हो रहा है? इसके साथ भी और इसके साथ भी. तो यहां पे C1 भी आएगा और मल्टी वैल्यूड तो हो नहीं सकते, तो इसीलिए A1 B1 C2 ये भी आएगा. दोबारा से देखो A1 B1 C1, क्योंकि A1 के साथ यहां मैच हुआ तो ये वाला एट्रीब्यूट हो गया, टपल हो गया, ये वाला टपल हो गया. और A1 B1 विद दिस A1 विच इज C2, तो ये वाला हमारा दूसरा टपल हो गया. इसी तरह से A2 B1, और यहां पे A2 एक ही है तो इसके साथ में C1. ऐसे ही बाद में ये वाला A1 भी मैच होगा. देखो पहले हमने सिर्फ ये वाला A1 मैच किया था, अब ये वाला A1 मैच करोगे तो A1 B2 और पहले वाले A1 के साथ में C1 और दूसरे वाले A1 के साथ में A1 B2 C2, हमारे पास में ये डेटा बनेगा दोनों को ज्वाइन करके. नाउ इफ यू सी इन द ओरिजिनल टेबल कॉल्ड R, वी हैव थ्री टपल्स. ठीक है, वो तीन टपल कौन कौन से हैं? ए वन बी वन सी वन विच इज दिस टपल, फिर ए टू बी वन सी वन, तो ए टू बी वन सी वन इज दिस वन, ए वन बी टू सी टू, तो ए वन बी टू सी टू दिस टपल, रेस्ट टू टपल्स दिस वन एंड दिस वन, दीज टू टपल्स आर एक्स्ट्रा. तो ये दोनों क्या है? एक्स्ट्रा.
which is a loss, which is a loss of information. लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब हमने कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दी इसमें ब्रेक करने के बाद में जो हमारे पास पहले नहीं थी, विच इज अ लॉस. ओके, तो हमें इस तरह के रिलेशन को, जो आपने यहां पे अभी एक रिलेशन को दो अलग अलग रिलेशन में डिवाइड किया, इसको हम बोलेंगे लॉसी डीकंपोजिशन. लॉसी डीकंपोजिशन. डोंट वरी, बहुत आसान है, क्वेश्चंस करेंगे आसानी से आएगा समझ में, अभी के लिए इसको समझते जाओ. ठीक है, नाउ अगर हमने इस रिलेशन को, ये जो हमारे पास ओरिजिनल रिलेशन था ए बी सी, इसको इंस्टेड ऑफ आर वन एज ए बी एंड आर टू एज ए सी, इस तरह से ना करके डिवाइड, हमने इसको डिवाइड किया होता आर वन एज ए बी एंड आर टू एज बी सी, तो देखो क्या होता. देखो यहां पे दोनों में कॉमन है ए, यहां पे दोनों में कॉमन है बी, तो हमने दूसरा तरीके से डिवाइड किया, तो देखते हैं इस बार क्या होगा. हमारे पास टेबल क्या थी, दोबारा से सेम टेबल बना रहे हैं जो अभी ऊपर बनाई थी, ए बी सी, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी वन सी वन, ए वन बी टू सी टू, ये हमारे पास R है जिसके अंदर तीनों टपल्स हैं. इसको हमने डिवाइड किया R1 में जिसके अंदर अब हमारे पास है AB. तो AB तो हमारे पास पहले भी था यही, तो R1 AB तो सेम रहेगा जो हमारे पास ऊपर था, मैं उसको सेम लिख रहा हूं, A1 B1, A2 B1, A1 B2. देखो कुछ अलग नहीं है, ये चीजें उठा के यहां पे लिख दी है और कुछ नहीं किया. दूसरा हमारे पास रिलेशन है R2, तो R2 के अंदर इस बार BC लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ AC, तो देखो BC, तो इस बार हम क्या लिख रहे हैं B1C1, B1C1, B2C2. अब ये दो चीजें एक साथ एक जैसी हैं, तो इसको तो हम पूरी की पूरी को दोबारा रिपीट करेंगे तो वो गलत है, कोई फायदा नहीं है उसका. अदरवाइज आप ये कहो कि A1 A1 भी तो रिपीट किया हुआ है, बट यहां पे B1 है यहां पे B2 है, तो इसलिए टपल अलग हुआ, बट B1 C1 B1 C1 ये दोनों सेम टपल है, ये केवल अलग इस वाली टेबल में इसलिए है क्योंकि A1 A2 है, बट यहां पे B1 C1 और दोबारा इसके नीचे B1 C1 लिख दूंगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसलिए इसको हमने लिखा एक ही बार. और B2 C2 हमारे पास ये टेबल बनी. अब लेट से इस बार हम R1 नेचुरल जॉइन R2 करते हैं, तो देखो क्या होगा, नेचुरल जॉइन किस बेसिस पे होगा, B के बेसिस पे, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है B, तो इस बार अगर मैं इनको जॉइन करूं तो मेरे पास टेबल क्या बनेगी, A B C. देखो A1 B1 ये वाला टपल उठाया और इस B1 को इसके साथ मैच किया, तो यहां पे मिला B1 C1. ठीक है, तो और कोई B1 तो है ही नहीं, तो एक ही टपल आएगा. फिर उसके बाद A2 B1 और इसके साथ मैच किया और यहां पे आएगा C1. फिर A1 B2 और ये इस सिर्फ इसके साथ मैच होगा तो यहां पे आएगा C2. नाउ इफ यू कंपेयर दिस R1 जॉइन R2, you will find it is equivalent to R. There are three tuples and exactly same as these three tuples. So that's why this decomposition is lossless. मतलब कोई भी loss नहीं हुआ. अगर loss होता तो हम बोलते lossy. अगर loss नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे lossless. Okay? So there is no loss of information in this decomposition and it is lossless decomposition. So let's write it down. Let R be a relationship schema and F be a set of FDs, functional dependencies over R. Is relation ki functional dependencies hai. The decomposition of R into R1 and R2 is said to be lossless decomposition with respect to F if and only if R1 natural join R2 is equal to R. यही तो मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि अगर हमारा
ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही वो लॉसलेस है। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि दो जो रिलेशन डीकम्पोज हुए हैं उनका नेचुरल जॉइन आर के इक्वल आ रहा है तो वो लॉसलेस डीकम्पोजिशन है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत सारे डेटा को देखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ट्रिक्स हैं वो बताएंगे आपको, ये समझने के लिए है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, देन द डीकम्पोजिशन ऑफ आर इंटू आर वन एंड आर टू इज सेट टू बी लॉसलेस इफ द एट्रीब्यूट्स दैट इज कॉमन इन आर वन एंड आर टू इज अ की टू आइदर ऑफ द रिलेशन। ओके, देखो इस बात को समझो, हमने जब आर ऑफ ए बी सी को आर वन ए बी और आर टू बी सी में कन्वर्ट किया तो ये कह रहे हैं कि ये लॉसलेस तभी होगा, इट विल बी लॉसलेस ओनली इफ कि इफ द एट्रीब्यूट दैट इज कॉमन इन आर वन एंड आर टू, तो ये बी और बी इन दोनों में कॉमन है, इज अ की टू आइदर ऑफ द रिलेशन, यानी कि बी या तो इस रिलेशन के अंदर कैंडिडेट की हो या इसके अंदर कैंडिडेट की हो तो ही ये लॉसलेस होगा। इसको फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, बट ज्यादातर हम इस वाले तरीकों को यूज करते हैं कि जो दोनों के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट है वो दोनों में से किसी भी रिलेशन का की होना चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका फाइंड आउट करने का ये है कि R को हमने R1 और R2 में डिवाइड किया, इट विल बी लॉसलेस इफ एंड ओनली इफ F क्लोजर कंटेन्स आइदर ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 गिव्स R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2। देखो ये वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी तरीका है, मैं आपको क्वेश्चन दोनों तरीके से कराऊंगा, ये लेंदी वे है, आ जाएगा इससे भी आंसर क्योंकि इसमें आपको पहले R1 और R2 की सारी FDs का F क्लोजर निकालना पड़ेगा और फिर ये सॉल्व करना पड़ेगा, इट विल टेक 2-3 मिनट्स, ऑल्दो दिस विल टेक ओनली 5-10 सेकेंड्स, बट यहाँ पे हमें प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो बस इतना सही है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं और आसानी से हो जाएगा। सो लेट्स सी देन क्वेश्चन, सो वी हैव दिस क्वेश्चन, कंसिडर अ रिलेशन आर हैविंग थ्री एट्रीब्यूट्स ए बी सी विद एफ डी, ये सिंगल एक एफ डी गिवन है हमें, इज डीकम्पोज इंटू आर वन विच इज हैविंग ए बी एंड आर टू विच इज हैविंग बी सी, चेक वेदर द डीकम्पोजिशन इज लॉसी और लॉसलेस। देखो अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसमें आर वन और आर टू यही वाले दो हमने रिलेशन डिकम्पोज किए थे इस आर से, तो वहां पे आंसर आया था लॉसलेस, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एफ डी ये गिवन है, वहां पे कोई एफ डी गिवन नहीं थी, हमारे पास डेटा था तो जरूरी नहीं है कि इसका आंसर लॉसलेस आएगा, हो सकता है इसमें आंसर लॉसी आए, तो इसको चेक करिए। देखो चेक करने का तरीका मैंने आपको एक बताया जो लेंदी वाला वे है, उसको पहले चेक करते हैं। लेंदी वाला वे ये कहता है कि हमारे पास में आर वन इंटरसेक्शन आर टू शुड गिव R1 वन माइनस आर टू और R2 टू माइनस आर वन, ये देता है। ओके, दोनों में से कोई भी करेक्ट हो जाए, एक गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी लॉसलेस है, अगर दोनों गलत हो जाए ये दोनों ट्रू ना हो तो लॉसलेस नहीं होगा, तब लॉसी होगा। ओके, नाउ सी दिस, यहां पे हमारे पास में R1 क्या है ए बी, ये है हमारे पास R1 और R2 हमारे पास क्या है, R2 है हमारे पास बी सी, तो R2 बी सी gives you AB minus BC। देखो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करोगे तो B आएगा और AB minus BC यानी कि जो इन दोनों में कॉमन है उसको छोड़ के इसमें जो आएगा। ओके, देखो ABC minus BCD, ये अगर हमारे पास सेट A है ये सेट B है तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दो, दोनों में कॉमन है उसको हटा दो, उसके बाद जो पहले सेट में बचे उसको लिख दो, डी नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर बी कॉमन था वो हटा दिया, बाकी बचा ए, तो क्या ये एफ डी हमारे पास है, नहीं है एफ क्लोजर में, एफ क्लोजर मतलब इसका क्लोजर निकालो, अब एक ही एफ डी है तो इसके अलावा और कोई एफ डी बनेगी नहीं इसमें, तो दिस इज द
एफडी विच इज गिविंग बाय दिस फॉर्मूला, तो ये तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दिस इज फॉल्स. ओके, दूसरा क्या था कि आर वन इंटरसेक्शन आर टू गिव्स यू आर टू माइनस आर वन. देखो ये वाली चीज, पहले ये चेक किया है, अब ये वाली चेक कर रहे हैं. तो ए बी इंटरसेक्शन बी सी, तो इधर वाला पार्ट तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि हमने ये सेम रखा हुआ है, तो ये तो बी आएगा. गिव्स यू, अब ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, दैट इज बी सी माइनस ए बी. तो बी गिव्स यू, देखो दोनों के अंदर बी हटा दिया, बाकी क्या बचा इधर सी. तो ये क्या ये एफ डी हमारे पास इसमें है, नहीं है. एफ क्लोजर में, एफ क्लोजर निकाल रखा हुआ है हमने, एफ क्लोजर हमारे पास सिर्फ एक ही एफ डी है, इसलिए सिर्फ यही बचा. अदरवाइज और होती तो एफ क्लोजर और भी एफ डी बन सकती थी. तो क्या ये अवेलेबल है? नो. तो देखो ये भी फॉल्स हो गया, सिंस बोथ आर फॉल्स दैट्स वाई इट इज लॉसी. तो ये तो हमारे पास एक लेंथी तरीका था. आसान तरीका क्या था? देखो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? बी. ये दोनों के बीच में बी कॉमन है. एक्चुअली दोनों एक ही तरीके हैं, लेंथी भी या मैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं वो भी. बट इसको यहां पे आपको इंटरसेक्शन निकालना है, डिफरेंस निकालना है, वो सब चीजें करनी पड़ेंगी. बट यहाँ पे दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आपने मुंह जबानी निकाला कि दोनों में बी कॉमन है, तो ये बी आ गया. क्या बी किसी एफ डी का हमारे पार्ट है इसमें? देखो ए से बी केवल एक ही एफ डी है, विच कम्स हियर. यहाँ पे कोई एफ डी आएगी नहीं क्योंकि हमारे पास एक ही एफ डी है और बी सी के नाम से कोई भी एफ डी है नहीं जिसमें सिर्फ बी सी हो. यहाँ पे ए है, ए तो इसमें है ही नहीं ना, तो हम इस वाली एफ डी को आर टू में इंक्लूड कर ही नहीं सकते. सो क्या बी कैंडिडेट की है हमारी एफ डी की दोनों में से किसी रिलेशन में? इसमें तो कोई एफ डी है ही नहीं, इसमें ए है कैंडिडेट की, बी नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज लॉसी. इट शुड बी द कैंडिडेट की, द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ शुड बी अ कैंडिडेट की ऑफ वन ऑफ द रिलेशन आर वन और आर टू. यही पढ़ा था देखो हमने ऊपर कि डीकम्पोजिशन ऑफ आर इन टू आर वन एंड आर टू इज सेट टू बी लॉसलेस इफ द एट्रीब्यूट दैट इज कॉमन इन आर वन एंड आर टू. तो अभी जो क्वेश्चन देखा है, आर वन क्या था? ए बी, और ये था बी सी, तो दोनों में कॉमन क्या है? बी. इज अ की टू आइदर ऑफ द रिलेशन, या तो आर वन की हो या आर टू की. आर वन की तो आ रही थी ए, और आर टू में कोई की नहीं थी क्योंकि कोई एफ डी नहीं है उसमें, तो बी तो है ही नहीं किसी की भी की, दैट्स वाई इट इज लॉसी. ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास रिलेशन गिवन है ए बी सी, और इस बार हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है ए से बी, और रिलेशन इस बार हमें ए बी और आर वन और आर टू ए सी ये गिवन है. देखो पहले हमारे पास एफ डी यही थी, बट रिलेशन था ए बी और बी सी. इस बार ए बी और ए सी, रिलेशन चेंज हो गया है, तो अलग क्वेश्चन है ये. अब देखो आसान वाले तरीके से, पहले एफ क्लोजर निकालने जाओगे सिर्फ यही एफ डी आएगी और कुछ नहीं आएगी. तो ए बी इसके अंदर आएगी, इसके अंदर कोई एफ डी आएगी नहीं, फाई गिव्स फाई है बस, और कोई नहीं है, ट्रिवियल है ना ये. तो ए गिव्स ए बी आ जाएगा, सी गिव्स सी बी आ जाएगा, ए सी गिव्स ए बी आ जाएगा, और ए सी गिव्स सी बी आ जाएगा, ए सी गिव्स ए सी बी आ जाएगा ये. लेकिन सारी की सारी क्या है? ट्रिवियल एफ डी. ट्रिवियल एफ डी को हमें देखना ही नहीं है, हमें तो नॉन ट्रिवियल एफ डीज को देखना है. ओके, तो नॉन ट्रिवियल एफ डी तो सिर्फ यही है कि ए से बी मिलता है. नॉन ट्रिवियल क्या था? कि जब हमारे पास में आर एच एस और एल एच एस में कुछ भी कॉमन ना हो. ओके, दैट इज नॉन ट्रिवियल एफ डी. और ट्रिवियल क्या था? जब हमारे पास आर एच एस इज अ सबसेट ऑफ एल एच एस. तो ये सारी तो ट्रिवियल है, इनको हमें नहीं देखना है. नाउ दोनों के बीच में कॉमन क्या है? इसमें ए है और इसमें ए है, दोनों के बीच में ए कॉमन है. तो ए शुड बी अ की ऑफ आइदर आर वन और आर टू. तो ए तो की है यहाँ पे, क्योंकि ए से ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा, और ये दोनों एट्रीब्यूट्स आ गए. तो ए इज अ की टू आर वन, दैट्स वाई इट इज अ लॉसलेस डीकम्पोजिशन. ये है लॉसलेस, केवल मुंहजवानी हो जाएगा, इन सबको तो हमें देखना ही नहीं है. सिर्फ एक इधर आया, दोनों के बीच में आर ए कॉमन है, और ए इज अ की टू आर वन, दैट्स वाई इट इज लॉसलेस. लंबे तरीके से देखोगे तो आर वन इंटरसेक्शन आर टू गिव्स यू आर वन माइनस आर टू और आर टू माइनस आर वन, ये चेक करना है. तो आर वन क्या है? ए बी. ये क्या है? ए सी, विच गिव्स यू आर वन यानी कि ए बी माइनस ए सी और ए सी माइनस ए बी. ठीक है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन इज ए, विच गिव्स यू दिस
A is deleted and B is left, or A is deleted and gives you C. तो देखो हमारे पास दो एफ डीज आ रही हैं, या तो A से B या फिर A से C. तो हमारे पास A से B तो अवेलेबल है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स. तो वन ऑफ दीज और है क्योंकि एंड नहीं है, वन ऑफ दीज इज ट्रू, दैट्स व्हाई इट इज लॉसलेस. ओके, वी विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस लॉसी एंड लॉसलेस डिकम्पोजिशन इन सब्सिक्वेंट वीडियोज. इन नेक्स्ट वीडियो लेट्स सी द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग. थैंक यू.